हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाईके स्टडी। मैं मनीष कुमार आप लोगों के सामने आज लाइव स्ट्रीम लेकर आया हूं टर्म टू क्लास 12th। आज मैं दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज देख लीजिए, आप लोगों को वो दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में जाकर के कि सर का बोर्ड में दिक्कत है, ब्लर आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एट ए टाइम आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्त, मैं 5 मिनट आप लोगों का मैं वेट कर ले रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे हमारा लाइव स्ट्रीम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इस बहुमूल्य टाइम पे मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जो भी दिक्कत होगा लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। जो भी परेशान हो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं, जिससे कॉमेंट पढ़ने के साथ ही आपको मैं प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दूंगा। तो दोस्त, आज मैं जो मैं आप लोगों को आज डॉट्स सारा क्लियर करूंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, मेन पॉइंट्स होगा वो मैं मेन पॉइंट बताऊंगा। पूरे कंप्लीट चैप्टर पे नहीं ले जाऊंगा और जो मेन मेन पॉइंट पेपर में आने वाला होंगे उन्हीं पॉइंट्स को मैं डिस्कस करते चलूंगा आप लोगों के साथ में। सबसे पहले आपका पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप की हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम रेशियो निकालना और गुडविल का जादू वाला टॉपिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जब हमारे पास एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल दे रखा होता है। तो दोस्त, सबसे पहले आज मैं जो डिस्कस करने जा टॉपिक उसके अंदर आपका रिटायरमेंट होगा, देन आफ्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद आपका टाइम बचेगा तो डिजोल्यूशन फॉर्म और एनपीओ की बातें कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटायरमेंट का, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आते हैं पेपर में। तो मैं सबसे पहले रेशियो निकाल के आपको बता दूं। किशन जी थैंक यू, मनीष सर जी थैंक यू, अंजलि मेनी मेनी थैंक्स, जुड़े रहिए, एंड तक जुड़े रहिएगा। यदि आप एंड तक जुड़े रहिए आपको मैं गारंटी लेता हूं कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीम को एंड तक देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज शेयर कर दीजिए जिससे आपके दोस्तों को जो मेन कॉन्सेप्ट लर्न करने में प्रॉब्लम होती है उनको मैं बिल्कुल डॉट क्लियर करते चलूंगा। मैं दोस्त सबसे पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है रेशियो निकालने का, हाउ टू कैलकुलेट अ रेशियो इन अ रिटायरमेंट। तो सबसे पहले हम रिटायरमेंट की बातें कर लेते हैं। केस फर्स्ट, इसके अंदर में दोस्त मेन दो केसेस होते हैं, उन दो केसों को सबसे पहले केस को मैं डिस्कस करूंगा, उस केस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व आउट करवाते चलूंगा। सबसे पहले नॉर्मल केस है, मान लीजिए ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स, हिज शेयरिंग रेशियो 3:2:1। लिखा है सी रिटायर फ्रॉम द फॉर्म, फाइंड न्यू शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखना है ये क्विकली एक मिनट के अंदर इसको सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पेपर में, लिख लेंगे गिवन में एबीसी थ्री पार्टनर्स हैं, 3:2:1 आ जाएगा। जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उस पार्टनर्स को क्या करेंगे, उसका शेयर्स को हम हटा देंगे। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है दोस्त, ए एंड बी आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जब सी पार्टनर्स को हम हटा देंगे तो बचे कौन, ए और बी, उसका रिमेनिंग शेयर कितना है 3:2। तो दोस्त हमने 3:2 लिख दिया, तो इट मींस न्यू शेयरिंग रेशियो आपका 3:2 आ गया। ये केस फर्स्ट है, ध्यान रखना है ये केस फर्स्ट था। अब हम केस सेकंड की बात करें, पहले दोबारा देख लो, एबीसी थ्री पार्टनर्स हैं जिसका रेशियो 3:2:1 है, सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, सी फर्म से रिटायर हो चुका है। जब सी रिटायर हो जाएगा तो उसका शेयर हम निकाल देंगे, क्योंकि सी हटाने के बाद बचे कौन, ए और बी आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स।
ईयर वी कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स है उसका रिमेनिंग रेशियो 3:2 है तो एज इट इज 3:2 लिख देंगे तो इट मीन द न्यू शेयरिंग रेशियो राइट नाउ 3:2। अब हम बात करेंगे के सेकंड का, केस सेकंड के अंदर मान लीजिए एबीसी आर थ्री पार्टनर्स, एबीसी आर थ्री पार्टनर ही सेलिंग रेशियो 1/5:1/3:7/15 लिखा हुआ है। सी रिटायर्ड फ्रॉम द फॉर्म, सी रिटायर्ड फ्रॉम द फॉर्म, हिज शेयर टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2 फाइंड द न्यू शेयरिंग रेशियो। यहां पे दोस्त रिवर मैग्रोलॉजी जी प्रीति हेलो, देखो दोस्त सी रिटायरमेंट फ्रॉम द फॉर्म ही शेयर टेकन बाय ए बी, जो सी रिटायर हो रहा है उसका शेयर ए और बी के द्वारा 3:2 में ले लिया जा रहा है। इट मींस जब सॉल्यूशन करेंगे तो वैसे कंडीशन में पहले गिवन लिख लेंगे ए बी सी, इसका रेशियो है 1/5:1/3:7/15। ध्यान रखना है कि मुझे इन सबका पहले बेस इक्वल करना पड़ेगा, इन सबका बेस इक्वल करना पड़ेगा। हमारे पास एबीसी तीन पार्टनर्स हैं जिसका रेशियो तो 1/5, 1/3 और 7/15। तो ध्यान रखना है कि इसका पहले बेस इक्वल कर लेंगे, जब बेस इक्वल करेंगे तो इसका ओल्ड रेशियो इक्वल करने के बाद आ जाएगा 3/15, 5/15 और 7/15। इट मींस 3:5:7 शेयर टेकन बाय, शेयर टेकन बाय ए, ए के द्वारा लिया गया शेयर, सी का शेयर था 7/15। तो वैसे कंडीशन में शेयर टेकन बाय ए तो सी का शेयर 7/15 है, उसे लिख लेंगे पहले बी जब मल्टीप्लाई का साइन किस रेशियो में लेगा 3:2, इट मीन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों के रेशियो का टोटल 5 होता है, तो हो जाएगा 21/75। सेम शेयर टेकन बाय बी, शेयर टेकन बाय बी, इस कंडीशन में सी का शेयर 7/15 है इंटू की कितने किस रेशियो में लिया गया है 3:2 में, इट मींस 2/5। तो राइट नाउ 14/75 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ ए का न्यू शेयर, पुराना दोस्त 3/15 है, सी से लेने के बाद लिया कितना 21/75, इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो दोस्त 15 + 21/75 इट मींस 36/75 आएगा। सिमिलरली बी के लिए न्यू शेयर रेशियो ऑफ बी, बी का नया शेयर
पुराना दोस्त 5/15 है, उसने 2 कवर किया था, सी से कितना 14 अपॉन की 75, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो दोस्त आएगा आपका 39 डिवाइडेड बाय 75 आ जाएगा। इट मींस न्यू सेलिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 36:39। राइट नाउ 12:30 इज द न्यू सेलिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ये दोस्त ए एंड बी का न्यू सेलिंग रेशियो होगा। किशन जी थैंक यू, उम्मीद करता हूं इस तरह आप लोग जुड़े रहे। गुनगुन जी विन विन थैंक्स जुड़े रहे इस तरह। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब पार्ट सेकंड है मेन पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नॉर्मली लोग क्या करते हैं गेनिंग रेशियो निकालते हैं। दोस्त यहां पे कोई गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसके बिहाफ पे आपको गेनिंग रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। ये गुडविल का ट्रीटमेंट आपका रिटायरमेंट में साथ के साथ डेथ में भी आपका यूज होगा। इट मीन्स आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तीसरा डबल निशान, इट मींस सेम ट्रीटमेंट रिटायरमेंट के अंदर होगा और सेम ट्रीटमेंट गुडविल डेथ ऑफ पार्टनर्स के होगा। बस एंड बस ध्यान रखना है कि नाम को चेंज करके थोड़ा बदल करना है। केत किरणी थैंक यू निर्मल। देखो दोस्त मान लेते हैं ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स, ही शेयरिंग रेशियो 3:2:1। सी रिटायर फ्रॉम द फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फॉर्म ₹60,000। दोस्त ये जो पॉइंट बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर मैं आपको गुडविल को ट्रीटमेंट दूं जो आपका रिटायरमेंट के साथ साथ डेथ में भी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है अभी मैं करके दिखा रहा हूं सॉल्यूशन। देखो दोस्त पहले करना क्या है, ये तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों पार्टनर के नाम लिख देते हैं टॉप में ए बी एंड सी। बिल्कुल सिंपल वे में सिंपल स्टेटमेंट में आपको देसी तरीके से बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा, आप जरूर इसे पेपर में अप्लाई करेंगे। जो डॉट्स होगा गुडविल का ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपका डॉट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त हमने कहा ए बी सी तीन पार्टनर है, सी रिटायर हुआ फॉर्म से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूज 60,000। तो ध्यान रखना है यहां लिखना है स्टेटमेंट गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर रिटायरमेंट। दोस्त गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे कितना दोस्त 60,000 का। क्या करना है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना अमाउंट को 60,000 का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है। तो ध्यान रखना है कि किस रेशो में ओल्ड रेशो में 3:2:1। तो दोस्त 60,000 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो 30,000, 20,000 एंड 10,000 आएगा। फिर देन आफ्टर स्टेटमेंट लिखेंगे गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड After retirement। तो दोस्त यहां पे ये नहीं लिखा है कि गुडविल को किस रेशियो में बांटा आफ्टर रिटायरमेंट, तो न्यू सेलिंग रेशियो यहां लिख लीजिए न्यू सेलिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी
इक्वली, क्या मान लिया हमने, इक्वली मान लिया। इट मीन्स जो न्यू शेयरिंग रेशियो इक्वली दे रखा है तो 60,000 को दोस्त इक्वली बांटेंगे, क्या करेंगे 60,000 को इक्वली हम बांट देंगे, तो 60,000 को किसे बांटेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ए एंड बी है, ए और बी में बांट देंगे, कितना है दोस्त 30,000 और सी में 10 लाख। अब क्या करेंगे, नीचे वाले में से फर्स्ट नंबर पॉइंट और सेकंड, नीचे वाले में से दोस्त ऊपर वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इट मींस इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां डैश आ जाएगा, यहां प्लस का 10,000 या माइनस का 10,000। अब दोस्त इसका जब एंट्री करेंगे तो ध्यान रखना है, प्लस वाले दोस्त डेबिट होते हैं और माइनस वाले क्रेडिट होते हैं। इट मींस प्लस वाले बी है, लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल अकाउंट, अमाउंट डाल दीजिए 10,000 और 10,000। देखो दोस्त ये रिटायरमेंट टॉपिक के अंदर गुडविल का मेन ट्रीटमेंट, इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करवा कर सकते हो डेथ ऑफ पार्टनर्स के अंदर भी, आप सेम कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो, आपका कोई टीचर कहीं भी गलत नहीं कर सकता, ये पीसी तुलसन सर की बुक की कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है, ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट था। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो बुक के अंदर अपीयर्ड होते हैं, ऑलरेडी गिवन होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। दोस्त अब मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो बुक के अंदर अपीयर होते हैं, जस्ट लाइक अ जर्नलिज्म, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, जो आपके बुक बैलेंस शीट होते हैं, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में गिवन होते हैं टर्म्स, कौन कौन से, जर्नलिज्म, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान रखना है, इफ द जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ये दोस्त बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में होता है, इसका ट्रीटमेंट एडमिशन के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर और डेथ के अंदर सबका ट्रीटमेंट एक हर एक जगह यही सेम ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। निरेशन लिख लेंगे बीइंग ऑल ऑफ देम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड इश्यू। दोस्त ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व इन सबको क्या करना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये
ओल्ड डेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड में। ये तो लायबिलिटी साइड का था। अब हम बात करेंगे एसेट साइड में। एसेट साइड के अंदर तीन चीजें होते हैं, नंबर वन गुडविल, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा पॉइंट होता आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इफ द गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आर अपीयर्ड इन द बुक, तो दोस्त ऐसे कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सेकंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, नेक्स्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे का सारे ध्यान रखना दोस्त ओल्ड रेशियो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट है आपका डिस्कस करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। ट्रीटमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आपका द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 12,000। क्या कहा दोस्त, द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 12,000। इट मींस फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गया 12,000 से। 12,000 से इंक्रीज होने का मतलब है इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते हैं, इसका एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 12,000। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गया कितने से, 12,000 से। इट मींस इसका एंट्री मिलेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, सॉल्यूशन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे 12,000 और 12,000। सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 20,000। इट मींस स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट के जब एसेट्स डिक्रीज होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, इसका एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो लिखेंगे आपको पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट 20,000 और 20,000। पॉइंट नंबर थर्ड, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 ऑफ रुपीज 50,000 इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। इट मीन्स एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 50,000 जो 10% डिक्रीज हो गया। इट मीन डिक्रीज होने का मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो गया। इट मीन्स इसका एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट।
लिखा है यहां पे एंट्री सॉल्यूशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे 50,000 और 5,000। ये पॉइंट हेड है, फिल का नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर्थ, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 10,000। पॉइंट नंबर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 10,000। इट मीन्स कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसकी वैल्यू कितना है दोस्त, 10,000। जब रिकॉर्ड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते हैं। क्या करते हैं दोस्त, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते हैं। इसका एंट्री बनता है आपका अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सॉल्यूशन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 और 10,000। लिखा होता कहीं कहीं ऑल डेटर आर गुड, क्या लिखा होता दोस्त, ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर आर गुड का मतलब यह है कि जो प्रोविजन बना था, जो प्रोविजन बना था उसका ट्रीटमेंट और डेटर्स को हमारा क्या कर दिया, जो कम था तो हमारा क्या कर दोस्त बढ़ गया, इसका मतलब क्या हमारा डेटर बढ़ गया। तो एंट्री बनता है दोस्त प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अमाउंट, कुछ जो दे रखा हुआ है अमाउंट उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लीगल प्रोविजन कोई कहेगा कि एक्चुअल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज क्या होता है, ध्यान रखना है कि पेपर में लिखा होगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर टू बी मेंटेन अ लीगल परसेंटेज। लीगल परसेंटेज उस प्रोविजन का 5% होता है, कितना होता है दोस्त 5% होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यह हमने डिस्कस किया आपका ट्रीटमेंट किससे रिलेटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हमने ट्रीटमेंट डिस्कस किया। देखो दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर लेके चलते हैं आपका, मैंने कहा था उसके बाद में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का पॉइंट लेके चलूंगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि रिटायरमेंट के अंदर जो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं तो वैसे कंडीशन में जो पार्टनर्स रिटायर होता है उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है उस पार्टनर्स के लोन अकाउंट के नाम से आता है, जिसे हम बैलेंस के लायबिलिटी साइड में हम दिखा देते हैं। तो हम दोस्त कैश, ये तो मेन कॉन्सेप्ट था हमने बता दिया रिटायरमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड टॉपिक का। नॉर्मली बच्चे को जो कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक होता है उन्हें मेन प्रॉब्लम दोस्त ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही स्टार्ट हो जाता। आप इन्वेस्टिंग कर लेते हैं, फाइनेंसिंग बहुत सिंपल वे में सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लिए, लेकिन दोस्त ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसा टर्म्स है जिसके अंदर बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इसको हम ऐड करेंगे किसको हम माइनस करेंगे। तो हम उसी को बताने के लिए आपके सामने कॉन्सेप्ट को, जादूवान कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आपके सामने में आज लाइव स्ट्रीम लेके आया हूं। यदि मेरा कंटेंट्स और कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो न्यू व्यूअर्स हमारे नए चैनल पे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन
मिलता रहेगा। दोस्त मैं ट्वेल्थ नहीं, अब आने वाले टाइम में बीकॉम लेवल पे भी मैं वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट सारा का सारा आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्त सबसे पहले हम कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है किसको हम प्लस करते हैं और किसको हम माइनस करते हैं। ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किस टर्म को प्लस करना है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बनाकर बता दे रहा हूं, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर, इधर लिखेंगे रुपीज, ऊपर में टॉप लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड डेट, जो डेट होगा उस डेट को मेंशन कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, मुझे लिखना है डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यहां लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन यहां तक तो सभी लोग इसी तरीके से कर लेते हैं। अब इसके बाद बात आता है कि भाई किसको प्लस करना है और किसको माइनस। हमने 11th क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, उम्मीद करता हूं कि सबको याद होगा। ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो टर्म्स आते थे, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो टर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं लाइक गुडविल, रिटर्न ऑफ ऑफ जो भी इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू, जो रिटर्न ऑफ होता है, डेप्रिसिएशन होता है, नॉन कैश एक्सपेंस लिखते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, वो सारे के सारे टर्म्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड होता है। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड का जो टर्म्स होते हैं, जो हम जिसे हम ऐड करेंगे किसमें, यहां पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, का उसको हम ऐड करेंगे। क्या कहा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड का जो टर्म्स होते हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे, जो क्रेडिट साइड के टर्म्स होते हैं, जो इनकम होते हैं, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। इट मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यदि डिक्रीज होता है तो वैसे कंडीशन में हम उसे हम माइनस करते हैं, यदि इंक्रीज होता है तो हम प्लस करते हैं। तो ध्यान, मैंने क्या कहा, जो डेबिट साइड का टर्म्स होता है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, प्लस करेंगे, और जो क्रेडिट साइड के टर्म्स होंगे उसे हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ कुछ पॉइंट जैसे लाइक रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटन ऑफ, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज। मैंने ये सब सारे के सारे टर्म्स दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है तो इन सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब हम माइनस करने की बात करें, कौन कौन से टर्म्स हम क्या करेंगे दोस्त, माइनस करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि मुझे 11th के ऊपर याद कर लेना है कि हमने 11th में क्रेडिट साइड में कौन कौन से टर्म्स डाला था। क्रेडिट साइड दोस्त जो भी इनकम्स होते हैं, जस्ट लाइक इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस इनकम को क्या कहा, इस इनकम को माइनस कर देंगे। दोबारा मैं बता रहा हूं, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट करना है, देन आफ्टर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के जो टर्म्स होते थे उन टर्म्स को इसके अंदर प्लस कर देना है, और जो क्रेडिट साइड के टर्म्स होते हैं उसे हम माइनस कर देंगे। ये दोस्त इस प्लस माइनस करने के बाद जो आगे दोस्त प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, क्या है दोस्त, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब हम लोग सारे
हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट साइड के टर्म्स है उसको हम प्लस कर देंगे और जो क्रेडिट साइड के टर्म्स है उसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो टर्म्स आएगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिख लेंगे। लिखने के बाद अब बात करते हैं, अब बच्चों को ये दिक्कत होती है इंक्रीजिंग करेंट एसेट्स डिक्रीजिंग करेंट एसेट्स, यार ये तो बड़ा लोचा उसके दिमाग में बैठ जाता है, ये दिमाग में बड़ा फ्रपात चलता है, किसको हमें लेके चलूं किसको ना लेके चलूं। ये दिमाग की जो घबराहट है उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लीज कोई भी बंदे अपने इस बातों को दिल पे नहीं लें, ये आपको कॉन्सेप्ट बताने का एक जरिया है जो आपको छोटे फॉर्म में मैं याद करवाऊंगा। दोस्त सभी के घर में बड़ी बहन होती है, क्या कहा दोस्त, सबके घर में बड़ी बहन होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग दीदी लिख लेंगे। हमने क्या कहा, सभी के घर में बड़ी बहन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, दोस्त दीदी कहते हैं। दीदी हमारे मुस्लिम भाई बहन अपने ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। दोस्त यहां पे अल्लाह नहीं लेके चलना है, यहां पे अल्लाह लेके चलना है। क्या लिखना है, सिंपल अल्लाह। ये जो वर्ड मैंने यूज किया किसी के धर्म को लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया, ये मैं सिंपल आपको कॉन्सेप्ट लर्न करवाने के लिए ही मैं आपको यूज कर रहा हूं। तो दोस्त एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो याद करवाओ, क्या लगा दोस्त, दीदी बड़ी बहन को हम लोग क्या कहते हैं, दीदी। जो मुस्लिम भाई बहन है अपने ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। तो ध्यान रखना है इनके पीछे दोस्त अल्लाह के पीछे सीसी लगा देना है। क्या लगा देना है, सीसी। इट मींस गुनगुन जी थैंक यू, ये दोस्त हमने सीसी तो लगा दिया, अब ये जो ए एल है इसके आगे प्लस लगा दीजिए और ये जो है इसके आगे माइनस की साइन लगा दीजिए। हमने प्लस का साइन और माइनस का साइन लगा दिया ना, अब देखो दोस्त जो कॉन्सेप्ट है जो जादू जिसे कहते हैं कैश फ्लो अकाउंट्स का जादू, मैंने टॉपिक ही डाला है अकाउंट्स की जादू क्लास 12, तो अकाउंट्स की ये जादू तो है दीदी अल्लाह सबके पीछे सीसी लगा दिया। इट मींस डिक्रीज इन करंट असेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस होता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस होता है। ये दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद कीजिएगा, तो पेपर में गारंटी लेता हूं मैं कि क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। ध्यान रखना है कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुनगुन कुमारी जी थैंक यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आया है दैट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसे क्या कहते हैं दोस्त, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रामबाण तरीका हमने क्या बता दिया, दीदी अल्लाह अल्लाह के पीछे सीसी लगा दे रहा है, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस। दोस्त ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, कहीं से हमने चोरी नहीं किया, किसी भी राइटर का बुक्स आप देख लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, मेरा अपना सेल्फ जनरेटेड कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए यूजफुल है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने आज मैं सामने रखा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। अब ये ऑपरेटिंग खत्म हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है दोस्त नाम से ही पता चलता, क्या पता चलता, नाम से ही पता चलता कि इट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट ये फिक्स्ड असेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इट मीन्स शॉर्ट में याद करने का तरीका,
फी फी क्या कर दोस्त फी फी एफ फॉर फिक्स एक्स आई फॉर इन्वेस्टमेंट इट मींस एफ फॉर क्या कर दोस्त फिक्स एक्स आई फॉर इन्वेस्टमेंट यदि आपका फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए क्या कर दोस्त फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो क्या होगा आपसे पैसे जाएगा ना आउटफ्लो होता है ना इट मींस ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम माइनस करते हैं तो देखिए दोस्त फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट का बढ़ना क्या कहा दोस्त फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट का बढ़ना हमारा पैसे ही गया इट मींस आउटफ्लो हुआ इस मींस कहने का मतलब है फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा इट मींस आपका इन्वेस्टिंग और एक्टिविटी के आउटफ्लो में आ जाएगा अब नेक्स्ट पॉइंट फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट यदि कम हो जाए कम होने की जाए का मतलब क्या है सिंपल बेचने से रिलेटेड है यदि फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया तो पैसे हमारा आ जाएगा जब पैसा आएगा तो इनफ्लो होगा इनफ्लो होने का मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो ले लेंगे यदि आपका प्लस और माइनस की वैल्यू यदि प्लस वैल्यू की वैल्यू ज्यादा आ जाएगा और माइनस वैल्यू का वैल्यू यदि कम होगा तो इन दोनों को जो डिफरेंस होगा प्लस में आएगा तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे यदि माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे गुनगुन जी थैंक यू जुड़े रहिए शीतला मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आज मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टर्म्स बताया साथ के साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टर्म्स बताया अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टर्म्स देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो टॉपिक है इसके एंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा तो छोड़ के मत जाइएगा नहीं तो वो आपको छोड़ देगा क्या कहा आप छोड़ के मत जाइएगा नहीं तो आपको छोड़ देगा कॉन्सेप्ट तो दोस्त मैं अब पहले बात कर लेता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड टर्म्स दोस्त नाम से पता चलता क्या नाम से पता चलता नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी इस रिलेटेड टू फाइनेंस किसी कंपनी के पास पैसा कहां से आता है यह पता करना है मुझे क्या कहा किसी कंपनी के पास पैसा कहां से आता है इट मींस किसी कंपनी के पास अपने शेयर्स को इशू करके पैसा आता है साथ के साथ डिबेंचर को इशू करते हैं साथ के साथ हम लोन लेते हैं इट मींस कहने का मतलब यह है जो नॉन करेंट लायबिलिटीज है शेयर्स या डिबेंचर बढ़ जाए तो वैसे कंडीशन में इट मींस इनफ्लो हो गया लायबिलिटीज का बढ़ना इनफ्लो को दर्शाता है लायबिलिटीज का कम होना आउटफ्लो को दर्शाता है कम होने का मतलब है कि कंपनी ने लोन लिया उसका पेमेंट कर दिया होगा तो इट मींस लायबिलिटीज हमारा कम हो गया कम होने का मतलब हमसे पैसा गया ना तो इट मींस हमारा क्या हो गया आउटफ्लो हो गया दूसरी बात अब हम बात करते हैं लायबिलिटी मैंने क्या कहा लायबिलिटीज का बढ़ना इनफ्लो लायबिलिटीज का घटना लायबिलिटीज का घटना आउटफ्लो तो ध्यान रखना है कि नॉन करेंट लायबिलिटीज और का इंक्रीज वाले टर्म्स और डिक्रीज वाले टर्म्स के बीच जो डिफरेंस होता है प्लस वाले का वैल्यू ज्यादा हो और माइनस वाले का वैल्यू कम हो प्लस वैल्यू को ज्यादा हो मींस जो इंक्रीज कर रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा हो और जो डिक्रीज कर रहा है उसकी वैल्यू कम हो यदि प्लस में वैल्यू आ जाएगा तो इट मींस कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा यदि कम वाले का वैल्यू कम होगा ज्यादा होगा तो कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा ध्यान रखना है ये तो दोस्त हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिटर्न टर्म्स बताया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूं, नॉर्मली लोग भूल जाते हैं पढ़ना, रीड आउट करना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अरे बहुत कुछ ध्यान रखना था, वो तो रख लिया, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जब हमारे पास डबल बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट ना गिवन हो, व्हेन द प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी गिवन इन द बैलेंस शीट, इन दैट केस वी आर टेकिंग डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर रिजर्व लेके चलते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा हमने कि प्रॉफिट नहीं दे रखा है, सिर्फ रिजर्व दे रखा है, तो रिजर्व करंट ईयर का रिजर्व और प्रीवियस ईयर के रिजर्व के डिफरेंस को दोस्त लेके चलते हैं, उसी को हम मान के चलते हैं प्रॉफिट। लेकिन सम केस में क्या होता है, रिजर्व भी नहीं दे रखा होता है ना प्रॉफिट दे रखा होता है, तब क्या करोगे बता, क्या करोगे? करना तो एक ही काम है, डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर कैपिटल माइनस प्रीवियस ईयर कैपिटल। जो करंट ईयर का कैपिटल होगा, प्रीवियस ईयर कैपिटल होगा, उसके डिफरेंस को क्या करना है, लेना है। वही उसे हम मान के चलेंगे कि वो मेरा प्रॉफिट है। सुजीत पाठक जी थैंक यू। हमने दोस्त ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ा। ध्यान रखना है यदि आपका बैलेंस शीट के अंदर डिवेंचर लिखा हुआ है लेकिन नीचे कुछ नहीं लिखा है, इंटरेस्ट और डिवेंचर की बात ही नहीं कर रहा है, यदि 9% 10% डिवेंचर लिखा हो तो ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट एंड डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर फिगर। ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्रीवियस ईयर के फिगर पे निकालते हैं, ना कि करंट ईयर के फिगर पे। हम करंट ईयर के फिगर पे उस कंडीशन में हम निकालते हैं जब क्वेश्चन में इंक्लूड होता है ऑल्सो टेकिंग अ करंट ईयर फिगर ऑफ डिवेंचर, ध्यान रखने वाले होते हैं। तो दोस्त हमने जितने भी होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, यदि आपका ध्यान रखना है कि इंटरिम डिविडेंड्स रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर प्रीवियस ईयर फिगर और करंट ईयर का फिगर दे रखा है, तो ध्यान रखना है करंट ईयर वाले को प्लस कर देंगे और प्रीवियस ईयर वाले को माइनस करते हैं, करंट ईयर वाले को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं और प्रीवियस ईयर वाले को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। सो सिमिलरली प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, प्रीवियस ईयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। तो दोस्त ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो बार बार पेपर में रिपीटेड होता है, उस एडजस्टमेंट को मैं बताने जा रहा हूं। प्लीज रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखिएगा। मैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, जिससे आपको ये पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए ये पॉइंट्स है एक्यूमुलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन रिलेटेड, किससे रिलेटेड दोस्त, एक्यूमुलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन का पॉइंट्स जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं ध्यान से देखता हूँ और ये ध्यान से मैं बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा का सारा पॉइंट समझ में आएगा। तो दोस्त सबसे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो दोस्त, मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर फिगर है, ये करंट ईयर का फिगर है, यहां लिखा हुआ है मशीनरी अमाउंट दे रखा है 4 लाख 20,000
यहाँ लिखा है accumulated appreciation. Accumulated appreciation का 1,10,000. एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000 with its accumulated of rupees 24,000 was sold rupees 20,000. ये दोस्त इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो पेपर में रेगुलर बेस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स रिलेटेड टर्म्स आते रहते हैं. तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकाल करेंगे. ध्यान रखना है कि मुझे एक्यूमुलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट को पहले मेंटेन करना है. क्या करना है दोस्त? एक्यूमुलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट हम पहले बनाते हैं. एक्यूमुलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन ये दोस्त हमारे लिए लायबिलिटीज होता है. एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो लायबिलिटीज का ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है. तो लेकिन यहां पर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने लिखा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. इधर लिखा हमने डेबिट, इधर लिखा क्रेडिट, यहां लिखा पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर. ध्यान रखना दोस्त लायबिलिटीज का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखा? बाय बैलेंस बीडी. प्रीवियस ईयर फिगर को हमने क्या लिखा? बाय बैलेंस बीडी. प्रीवियस ईयर का फिगर 1,00,000 तो हमने 1,00,000 लिखी. देन आफ्टर एडजस्टमेंट लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 40,000. मशीनी कॉस्टिंग कितना है? 40,000 का विद इट्स एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000. एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दोस्त? 24,000 दे रखा है. तो इसमें लिखा है टू मशीनरी अकाउंट कितना है? 24,000 ये रहा. देखिए हम लिखा 24,000. इतना होने के बाद हमारे पास एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग वैल्यू दे रखा दोस्त 1,10,000. कितना दे रखा है? 1,10,000 टू बैलेंस सीडी. क्या लिखा दोस्त यहां पे? टू बैलेंस सीडी अमाउंट डाल दिया 1,10,000 टोटल कर लिया 1,34,000. डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर दिया जिसे लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. क्या लिखा दोस्त? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. यहाँ पे आप ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस जो डिफरेंस है डिफरेंस को हमने यहाँ पे डाल दिया टोटल कर दिया 1,34,000. ये तो हमने आपको बताया एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. देन आफ्टर मैं आपको बता रहा हूं मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट हम मेंटेन कैसे करेंगे? दोस्त मशीन का डेबिट बैलेंस होता है. मशीन क्या होता है? क्या होता है दोस्त? डेबिट बैलेंस होता है. तो ऊपर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट. इधर डेबिट लिख लेंगे, इधर क्रेडिट लिख लेंगे रुपीज पर्टिकुलर रुपीज. दोस्त एसेट्स का डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी
ओपनिंग दे रखा है फोल्डर, तो लिखेंगे दोस्त टू बैलेंस बिटवीन फोल्डर्स, टू बैलेंस बीडी फोल्डर्स। उसके बाद उसने कहा था क्वेश्चन में कि 20,000 का सोल्ड आउट हो गया, जितने का बिका बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 20,000। हमारे पास एक्चुअल वैल्यू मशीन का था 40,000, कितना था दोस्त 40,000। 40,000 में से का accumulated deficit 24,000 है, तो 40,000 में से 24,000 माइनस कर देते हैं दोस्त 16,000 आता है। 16,000 की मशीन सोल्ड आउट किया गया 20,000 में, इट मींस प्रॉफिट कितने का 4,000 का। लेकिन यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट हमने लिखा 4,000। उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने लिखा था 24,000, इसको हम दोस्त यहां ट्रांसफर कर देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000, हमने 24,000 लिख दिया। देन आफ्टर हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू 4,20,000 का दे रखा है, इसलिए लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 4,20,000। इसका हम जब टोटल कर लेते हैं, टोटल करके देखिए कितना आएगा 4,64,000। कितना आएगा दोस्त 4,64,000। 4,64,000 में से 4,04,000 माइनस कर देंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है, ये 60,000 आएगा, ये 4,60,000 ये मेरा accumulated deficit account है और machinery account हमारा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो concept बताया है जादू accounts का, तो आप सभी को समझ में आया होगा। मैं कोशिश किया है कि आप लोगों को मैं सारे का सारा points आपका retirement से related, cash flow से related terms को हमने सारा का सारा बताया है। कल दोस्त संडे है, तो दोस्त प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। कल मैं आपका डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ पॉइंट कुछ डिस्कस करेंगे और साथ के साथ डिवेंचर टॉपिक लेके चलेंगे जहाँ पे बच्चे को दिक्कतें होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी व्यूअर्स को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि कोई कॉन्सेप्ट में कोई खामियाँ हुई हुई होगी तो मैं उसके लिए दोस्त माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से 100% लगाया है, तो इस 100% का यूज आप लोग प्लीज पेपर में कीजिएगा। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का एग्जामिनेशन अच्छा होगा। थैंक्स।